हेलो दोस्तों, मैं सतीश शर्मा सर, आप लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हमारी वैदिक गणित की जो सीरीज चल रही है, जिसके अंदर नया टॉपिक जो है वो है क्यूब। और आज का जो क्यूब है हम विद इन 2 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले उसके कुछ कंसेप्ट बताता हूं मैं, कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, कंसेप्ट, ठीक है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ, तो कंसेप्ट से ही सारी चीज रिलेटेड है। पहले तो आप लोगों को 10 तक क्यूब आना चाहिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 10,000। अब कुछ नंबर याद रखो, अगर 1 है तो 1 करोड़, 11 करोड़, 21 करोड़, इनका किसी का भी क्यूब किया तो लास्ट में 1 ही आएगा। 2 अगर करते हैं तो 8 आएगा, 3 अगर करते हैं तो 7 आएगा, 4 अगर करते हैं तो 4 ही रहेगा, 5 अगर करते हैं तो 5 रहेगा, 6 अगर है तो 6, 7 अगर है और 8 अगर है तो 2 और 9 और 0 अगर है तो 0। बस ये नंबर थोड़ा सा याद रखो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर लास्ट डिजिट ये होगा, लास्ट डिजिट, तो उसका आंसर भी लास्ट में 1 ही आएगा। अगर लास्ट में 2 है तो उसका आंसर आएगा 8, लास्ट में 3 है तो 7, लास्ट में 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 2, 9 है तो 9, 0 है तो 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1 उसके बाद में, इसके बाद में 5, इसके बाद 6, इसके बाद 9 और इसके बाद 0, ठीक है। 1, 4, 6, 9, 0, ये जितने भी नंबर है, ठीक है, थोड़े चाहे तो 1, 5, 6, उसके बाद 9 और 0, ये इनका लास्ट डिजिट हमेशा लास्ट डिजिट एज इट इज ही होगा, एज इट इज ही होगा। बस कंसेप्ट नंबर फर्स्ट ये हो गए, ठीक है। और कंसेप्ट नंबर सेकंड अगर है तो वो क्या है, देखो 2 अगर है तो 8 रहेगा, अगर 8 है तो 2 रहेगा, ठीक है। और कंसेप्ट नंबर 3 जो है, 3 की जगह अगर लास्ट में हमेशा 3 ही रहेगा, ठीक है। और 5 के लिए 5 ही है, 6 के लिए 6 ही है, 7 के लिए 3, 3 के लिए 7, 8 के लिए 2, 2 के लिए 8, 9 के लिए 9 और 0 के लिए 0। और इसके अंदर राइट साइड से 3 डिजिट की पेयर बनाना जरूरी है, 3 डिजिट की पेयर, और उस पेयर का लास्ट डिजिट फाइंड करना है, लास्ट डिजिट फाइंड करना, ठीक है। और बाद में आप क्या देख सकते हो, रेंज। अब रेंज क्या है, मान लो ये मैंने बाजू में लिख दिया रेंज, अगर कोई नंबर 1 to 7 है तो उसका रेंज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक अगर है तो उसका आप इन साइड का नंबर 1 लिखोगे, 8 से लेकर 26 है 2 लिखोगे, 27 से लेकर 63 के बीच में अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो 3 लिखना है, 64 से लेकर 124 तक कोई भी नंबर आ रहा है तो 4 लिखो, 125 से लेके 215 तक कोई भी नंबर आ रहा है तो 5 लिखो, 216 से 342 तक कोई भी नंबर आ रहा है तो 6 लिखो, 343 से लेके 511 तक कोई भी नंबर आ रहा है तो 7 लिखो, 512 से 728 तक 8 लिखो, 729 तक, 999 तक 9 लिखो और 1000 से लेके 1330 तक 10 नंबर लिखो। बस यही कंसेप्ट है इसकी, कंसेप्ट नंबर 1, 1, 5, 6, 9, 0 अगर लास्ट में आ रहा है तो एज इट इज नंबर लिखो, और 2 अगर आ रहा है तो 8 लिखो, 8 आ रहा है तो 2, 3 आ रहा है तो 7, 7 आ रहा है तो 3, ठीक है। और 3 डिजिट के एक एक पेयर बनाओ राइट डायरेक्शन से लेफ्ट की ओर, ठीक है। और लेफ्ट में जो भी नंबर रिमेनिंग बैलेंस रहेगा उसका आपको रेंज देखना है, राइट साइड में 3 डिजिट और लेफ्ट साइड में, तो यहां लिख देता हूं राइट साइड और लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या देखोगे आप, रेंज देखोगे, और राइट साइड में क्या देखोगे, राइट साइड में आप देखोगे लास्ट डिजिट। बस यही एक कंसेप्ट है इसका, लेफ्ट साइड और राइट साइड,
ठीक है। अब लेफ्ट साइड के नंबर जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने ही साइड जितने बड़े डिजिट हो सकते हैं, लेकिन राइट साइड में हमेशा का ही पेयर होगा। बस हो गए कंसेप्ट, स्टार्ट कर लो। अब मुझे बताओ ये पेयर बना लो, लास्ट में क्या है आपके पास, 3 अगर है तो क्या रहता है बेटा, 7 हो गया। 19 का रेंज देख लो एक बार, 19 का मिल रहा है आप लोगों को 8, 26 के बीच में, इसलिए क्या लिखोगे 2, हो गया आंसर 27। उसके बाद में 30 अगर है तो 0 के लिए मैंने लिखा है 0 एज इट इज। 27 का रेंज देख लो 3 के अंदर, ये हो गया आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 0, 39, 9 है तो लास्ट में क्या रहता है, देखो 9 अगर है तो 9 ही रहेगा। और 493 का रेंज देख लो, 493 बीच में आ जाएगा 7, ये हो गया 79। अब 3 डिजिट लास्ट नंबर कौन सा है, 9 अगर है तो हमेशा क्या रहता है, हमेशा 9 ही तो रहता है। और 6 जो बचा है रिमेनिंग में, 6 का रेंज का है नहीं है 90। अब 509 के लिए क्या रहेगा बेटा, 9 ही रहेगा। और 328 का रेंज देख लो, 328 का रेंज जो है आपको यहां मिलेगा 6 में, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 69। नेक्स्ट है 7 है तो 7 अगर है तो 7 के लिए क्या रहता है बेटा, 3, ठीक है। और 148 का रेंज देख लो, 148 का रेंज कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, इसके बीच में मतलब 5, ये हो गया 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी भी लास्ट में अगर 5 है तो हमेशा क्या रहता है, 5 ही रहता है। 1 का रेंज जो है कहाँ दिख रहा है, 5, ठीक है, ये हो गया 55। अब 5 के लिए 5, 274 का रेंज देखना है आपको, 274 का दिख रहा है आपको, ये 216 और 342 के बीच में, इसलिए 6 लिख दो 65। लास्ट में 192 का रेंज देखो, 2 का लास्ट डिजिट क्या है 8। 941 देख लो एक बार, 941 का दिख रहा है, 941 इसके बीच में दिख रहा है, तो ये हो गया 98। अब लास्ट में देखो 0566 अगर है तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा, तो 6 भी एज इट इज ही होता है। अब बचा कौन सा, 636 का रेंज देख लो एक बार, 636 का दिख रहा है आप लोगों को, 636 देखो यहाँ बीच में दिख रहा है 8, ठीक है। अब 7 का दिखेगा आपको, 117, ठीक है, 1174 में ही दिख रहा है, ठीक। और 1 के लिए हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। 531 किसके लिए, 7, 531 देख लो 7 से ज्यादा है मतलब 8। तो मुझे आशा है कि बच्चों आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, और इससे ज्यादा आपको लेक्चर के सारे कंसेप्ट अगर समझना है तो आप लोग वैदिक गणित की सारी सीरीज एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, एक बार प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाए तो आप लोगों को डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। थैंक यू, वेलकम।